25 तारीख होली का पर्व जो है वो जम्मू में मनाया जा रहा है और उसी के चलते बच्चों में काफी ज्यादा उत्साह है, यानी कि खरीदारी के लिए आ रहे हैं। तो आज छोटे बच्चों से जुड़ेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ खास रहने वाला है। क्या नाम है आपका? अथर्व। कहाँ रहते हो? तालाब तिल्लो। कौन से स्कूल में हो? केसी पब्लिक। क्या बात है। तो किस तरह की तैयारी जो है होली को लेके कर रही हो? आज शॉपिंग के लिए आए हो? हाँ जी। क्या कुछ खरीदोगे आज? आज कल का खरीद लिया था, कल वाली पिचकारी मेरे से चली नहीं, तो आज दूसरी वाली पिचकारी लेने आया हूँ। किस तरह से होली जो है वो मनाते हो? दोस्तों को किस तरह से रंग लगाते हो? उनकी बड़ा मजा आता है। दोस्तों को पहले घर जाना, उनके उनके मुंह पे ग्रीस लगा देनी। ग्रीस भी लगाते हो? हाँ जी। तो इस बार किस दोस्त को ज्यादा रंग लगाना है? इस बार ही निकुंज। कहाँ? कौन? निकुंज। वो कहाँ रहते हैं? वो भी मेरी गली में ही रहता है। गली में रहते? तो मैसेज दोस्त है कि तैयारी कर रहे हैं वो आप उसके लिए? हम तैयारी कर रहे हैं तेरे को रंग लगाने के लिए। तो देख सकते हैं होली के पर्व को लेके बच्चों में उत्साह है और खरीदारी के लिए दुकानों पे जो है वो काफी ज्यादा रश जो है वो इस समय। जी जी, आप भी होली का सामान लेने आए हो? हाँ जी। क्या लोगे होली पे? बैलून और रंगोली। क्या नाम है आपको और कौन से स्कूल में हो आप? घर का नाम परी, स्कूल का नाम नाया। जी, तो किस तरह से होली मनाते हो आप? हम मनाते हैं। रंग लगाते हो? किस किस को रंग लगाते हो? हम। आज इस बार किसको रंग लगाओगे? छोटे भाई को। छोटे भाई को लगाओगे? क्या नाम है उनका? उसका नाम है देवी। तो बोलो देवी मैं आ रही हूँ कलर्स लेकर। ओके ओके। देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चों में उत्साह जो है वो दुगना, और यहाँ पर अपनी पिचकारियों को लेके जो है ट्रायल सेशन जो है बच्चे यहाँ पर करते हुए, ताकि 25 तारीख को कोई कमी बेशी जो है वो ना रह जाए, यानी कि पूर्ण रूप से तैयारी जो है वो की जाएगी। आप देख सकते हैं सैंपलिंग किस तरह से चेक हो रही है। तो आपने इस बार किस तरह की तैयारी जो है वो की है और जरूर बताएं। इस बार पेरेंट्स जो है वो भी अपने बच्चों के साथ पहुंचे हुए। बच्चों की शॉपिंग होगी पूरी? हाँ जी, हाँ जी, हो गई पूरी। जी, क्या कहेंगी मैम, शॉपिंग हो रही है? बस पहले तो मैं यही कहूंगी हैप्पी होली टू एवरीवन, और ये बच्चों का एक बहुत अच्छा फेस्टिवल है। इवन बच्चे बड़े सबका बहुत अच्छा फेस्टिवल है, और जम्मू में तो हमेशा हर त्योहार की एक अलग धूम होती है, और आप मार्केट में भी देख सकते हैं कि कितनी धूम है और बच्चे कितने एक्साइटेड है अपने कल्चर को लेके और अपने फेस्टिवल। इस बार आप किसे रंग लगाएंगे? इस बार मैं सबको रंग लगाना चाहती हूँ, मतलब वो सारे जिनसे कुछ गिले शिकवे हैं वो सब दूर करेंगे और ये फेस्टिवल मनाएंगे। तो देख सकते हैं कितना बेहतर संदेश है और प्यार वाला संदेश, यानी कि जिनसे गिले शिकवे हैं तो क्यों ना इस होली पे उन गिले शिकवों को जो है वो दूर किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। जी जी, क्या रंगोली चलानी है? रंगोली चलानी है तो बनाओ ना, जब आप बनाओगे हम आपके पास आएंगे। ओके, पक्का आएंगे। ठीक है, तो फिलहाल हैप्पी होली जी, हैप्पी होली जी, हैप्पी होली जी। अब फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरह के कलर जो हैं वो यहाँ पर है। बुरा ना मानो, होली है तो होली पे किसी को भी रंग लगाने से पहले जरूर एक बार उनसे पूछ लें कि इस बार जो है वो कलर आपको लगाए या ना लगाए, यानी कि किसी की मर्जी के बिना उसे कलर ना लगाएं। खास इन बातों का जो है वो ध्यान रखें। और फिलहाल खरीदारी जो है वो यहाँ पर चलते हुए, तो बुरा ना मानो होली है तो आज आपके लिए खास कलर जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। हर बार की तरह इस दुकान पे जो है वो रश जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि हर एक आइटम आपकी पसंद की जो है वो यहाँ पे आपको मिलेगी, चाहे जिस तरह की भी आइटम हो। सर, क्या कुछ खास आइटम इस बार आई है? इस बार बहुत अच्छी आइटम आई है, ये गुलाल के कलर आए हैं, तो स्प्रे आई है, स्कोक आया है, स्मोक कलर आए हैं, पिचकारी मोदी और योगी की आई है, पंप भी आया, तो टैंकी भी आई है। कुछ ऐसी पिचकारियाँ दिखाए हमें? आपको दिखाते हैं हम। जी जी, ये देखो मोदी और योगी की आई है, तो बच्चे बहुत खुश हो के ले रहे हैं, तो उनकी ये टैंकी भी तो आई है। ये देखो, ये आप देखो कितना अच्छा है, बच्चे बहुत खुश होके ले रहे हैं सभी। तो देख सकते हैं यहाँ पर मोदी जी और योगी जी की पिचकारियाँ जो है वो मार्केट में ट्रेंडिंग में है, और उसके साथ साथ कई स्प्रे जो है वो यहाँ पर मिलेंगे, बैलून्स जो कि आपके लिए हर बार रहते हैं। तो काफी ज्यादा नई कलेक्शंस जो हैं इस बार आई हुई हैं, और खासकर बच्चों को लेके काफी ज्यादा अच्छे
कलर्स यानी कि फ्रेंडली कलर्स हैं ये, ताकि इको फ्रेंडली कलर्स होंगे तभी आपको इससे कोई परेशानी नहीं होगी। तो हर बार की तरह हम इनके साथ जुड़ते हैं। सर पहले तो आने वाली होली की शुभकामनाएं आपको, तो क्या कुछ खास इस बार? मैं संजीव गुप्ता आपके माध्यम से मैं सभी पूरे हमारे हिंदुस्तान वासियों को होली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। लोग काफी खरीदारी कर रहे हैं, आपके सामने देखो टी शर्टें लगी हुई हैं, मोदी जी की पिचकारी लगी हुई है, लोग काफी बीजेपी लिखा हुआ उस पर काफी लोग खरीदारी कर रहे हैं, और लोग बाल खरीद रहे हैं, बैलून खरीद रहे हैं, और पिचकारियां देखो अलग अलग किस्म की, टैंकी वाली पिचकारी है और पंप वाली पिचकारी है, और सिलेंडर एक सिलेंडर आए हुए हैं जो कलर फेंकते हैं, वो कलर भी है, वो स्प्रे भी है, लोग काफी खरीदारी कर रहे हैं। आपके माध्यम की बात करें, इस बार महंगा सामान बिक रहा है या फिर डिस्काउंट पे? नहीं, वही रेट तो सेम ही है, रेट में कोई वो नहीं है, महंगा नहीं है, वही रेट है, जो पुराना रेट है वही रेट है। क्यों? क्योंकि जो है इनके दिन के दाम 20 रुपए से, 20 रुपए क्या होता है, 20 रुपए रंग कलर का रेट है, 10 रुपए कलर का रेट है, और कुछ कारी है उनका रेट है, यही कलर यही रेट है। लेकिन चक्कर पता क्या है, मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि जो जो होली है वो काफी धूमधाम से मनानी चाहिए, जो नहीं मनाते जो ऐसे अननेसेसरी रंग नहीं फेंकने चाहिए, बैलून नहीं फेंकने चाहिए जिससे कि किसी को नुकसान हो और लोग और अपने को भी परेशानी में डालें, लोगों को भी परेशानी में डालें। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, मैं अपने एक एडमिनिस्ट्रेशन LG साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो होली जो जितने भी त्यौहार हैं उनके लिए एक अलग ही पहचान बनवाएं, हमारे जैसे मुबारक मंडी में कोई ऐसा सिस्टम बनाए जिससे कि लोगों को काफ़ी, देखो आप जैसे हमारी दुकान पे आए हजारों की संख्या में जैसे निकलते हैं, लोग कहते हैं नहीं आज ईद आ गई जी, आज दिवाली आ गई जी, आज क्रिसमस आ गई जी, आज, क्योंकि देख के दुकान को देख के ऐसे किसी को नहीं पता त्योहारों का काम फीका पड़ रहा है काम त्योहारों का, लेकिन हमारा जो गुलदस्ता है वो त्योहारों की वजह से ही है। क्यों? हमारे हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब धर्म के लोग रहते हैं, क्योंकि गुलदस्ते के कारण ही हम बचे हुए हैं। नहीं तो अदर कंट्री में देखो, पाकिस्तान में देखो, मुसलमान की कंट्री है, उधर कोई इस्लामिक कंट्री है, उधर कोई भी नहीं त्यौहार मनाए जाते, हमारे ही एक ऐसा हिंदुस्तान देश है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको भी चाहिए कि सबको एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि ऐसे चीजें बनाए कि जिससे कि त्योहारों का जैसे बच्चों मजा दुगना हो जाए और पता लग जाए लोगों को ये त्योहार आया है। थैंक यू। देख सकते हैं तो कुछ ऐसी गैदरिंग जो है वो भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से की जानी चाहिए, और खास आप देख सकते हैं कि आप बच्चों के लिए काफी ज्यादा पिचकारियां जो है, और दाम भी कुछ ज्यादा नहीं है, अगर यहाँ पे दाम भी देखे जाएंगे तो दाम भी कुछ ज्यादा नहीं है, काफी बेहतर पिचकारियां जो है वो इस बार, यानी कि अगर गन की शेप में पिचकारियां तक आ चुकी हैं, और स्प्रे आपके लिए, और भी काफी सामान जो है वो इस समय मार्केट में जो है वो आ चुका है, और यहाँ हर कोई खरीदारी के लिए पहुँचता हुआ, आप देख सकते हैं किस तरह से हर कोई यहाँ खरीदारी के लिए पहुँचता हुआ। क्या नाम है आपका? निकिता। निकिता जी आज क्या कुछ खास खरीदेंगी? हम लोग बलून खरीद रहे हैं। क्या बात है, फिर बलून खरीद के क्या करते हैं उनका? हम लोगों के ऊपर फेंकेंगे छत के ऊपर से? हाँ जी। कितना एंजॉय करते हो? बहुत। तो आप खास किसी को जो इस बार होली पे रंगना चाहते हो? मेरे भाई को। क्या नाम है उसका? शौर्य सिंह। यही है? हाँ जी। क्या बात है, तो शौर्य जी तैयार रहिएगा आप इस बार। हाँ जी। तो सुबह उठते उठते पहले कीजिएगा इन होली के रंगों को लेके आपका क्या कहना, क्या होली के रंग आपको पसंद है? और फिर आप लोगों से भी अपील रहेगी, बिन पूछे किसी को भी होली जो है उसका गुलाल जो है उन्हें ना लगाएं, क्योंकि कुछ लोग इसे पसंद करते हैं और कुछ लोग नहीं भी करते हैं। कई बार हमने देखा कि आपके सामने जो आता है उसे आप रंग लगा देते हैं। होली के त्योहार को प्रेम भाव से मनाना है, यानी कि दूसरा शख्स भी आपके साथ इसे एंजॉय करे, इस तरह की बात जो है वो करनी चाहिए। और जिस तरह से यहाँ इन दुकानदार भाई साहब ने एक बेहतर सुझाव दिया कि ऐसे गैदरिंग करवानी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को, जिससे पता चल सके कि त्योहारों में कितना मजा है, और लोग जो बाइकों पे घूमते हैं वो एक ऐसी जगह पे गैदर हो जाए जहाँ पे हर कोई हंस के होली जो है वो मना सके। इस बार आप किसे रंग लगाएंगे? मैंने करनी है। अच्छा, आपने करनी नहीं है। आप भी किसी को रंग लगाते हैं या सिर्फ लोगों तक ही सामान पहुँचाते हो? बताइए, शर्मा रहे हैं। चलिए जी, बुरा ना माने, होली है तो इस बात का भी ध्यान रखें कि काफी अच्छे प्रोडक्ट जो है वो इस समय मार्केट में, कलर्स की बात करें, स्प्रे की बात करें, तो हर सामान जो है वो आपको अलग से अलग ही मिलेगा। तो इस बार आप किस तरह से होली मना रहे हैं जरूर अपनी राय जो है वो कमेंट्स में साझी करें। देखते रहे जेके चैनल, मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत, नमस्कार। बैलून दिखाओ।